A very good morning to all. We are going to continue subject physics in class 10th chapter electricity. Today we will discuss about electric potential and potential difference. Two main topic, two basic topic of electricity, electric potential and potential difference. First of all, I will explain electric potential. The definition of electric potential is, it is defined as amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a particular point. क्या होता है electric potential? मैं formula लिख रही हूँ, denote करते हैं हम इसको electric potential को V से. Formula इसका W over Q. Q आपको मैंने बताया था क्या होता है Q? Charge. W work done है और V electric potential है. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चे? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चे, अगर अपने प्लेस से उसे हिलाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे बुलाने से तो कोई नहीं आता ना बच्चे. कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने ये मार्कर दिया, अगर वो कहीं और रखा है मैंने और उसे मैंने उठा के मैंने यहाँ पे वर्क लिखना है तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा उसे उठाने के लिए ना, ठीक है? मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इन्फिनिटी. इन्फिनिटी क्या होता है बच्चे? बहुत दूर, मतलब जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा दूर, कैलकुलेट नहीं की जा सकती. इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन होता है ये वाला, ठीक है? इन्फिनिटी पे कोई चार्ज पड़ा है, कितना चार्ज पड़ा है? यूनिट पॉजिटिव. यूनिट पॉजिटिव मतलब प्लस वन चार्ज पड़ा है. उसे कहाँ लेके आना है? एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर लेके आना है. तो हमें वो चार्ज ऐसे बुलाने पे तो आएगा नहीं ना बच्चे, उस चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? वो वर्क क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब देख लीजिए क्या कैसे. अब W तो एज इट इज और Q की जगह मैंने क्या पुट करना है? प्लस वन, ठीक है? वो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि V फिर क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू W हो जाएगा ना. मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. क्लियर? दोबारा पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चे? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन. यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये रहा, ये किसके इक्वल है? अमाउंट ऑफ वर्क डन. किसके वर्क डन के? इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो वर्क डन के जो लगाया गया एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क किया गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W ओवर Q. V इज डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज. क्लियर? एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, SI यूनिट क्या होगा बच्चे इसके? वोल्ट. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI यूनिट याद है ना बच्चे? SI यूनिट वो होते हैं जिसमें हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट. क्लियर? अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की. पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ नॉन पॉइंट टू अ पर्टिकुलर नॉन पॉइंट. पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. जो मेन डिफरेंस है क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आ रहे थे, ठीक है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पे बहुत दूर, मतलब अननोन पॉइंट पे पड़ा है और उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लेके आना है. जो वर्क डन लगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वहां पे इन्फिनिटी की बात खत्म है, पड़ा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही है, एक पॉइंट पे पड़ा है, ठीक है? ए पे पड़ा है, नॉन पॉइंट है, और उसे हमने बी पे लेके जाना है. चार्ज को एक पर्टिकुलर नॉन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आना है. जो वर्क डन लगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. फॉर्मूला वही है, वी से ही डिनोट करते हैं हम इसे भी. फॉर्मूला भी वही है बच्चे, वी से ही डिनोट करेंगे. फॉर्मूला सेम, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू. बच्चे वही V इज इक्वल टू W हो जाएगा जब Q की वैल्यू
वी इज इक्वल टू डब्ल्यू वेन के की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, वेन के इज इक्वल टू प्लस वन. क्लियर? ऐसा ही यूनिट सेम यूनिट ऑफ पोटेंशियल शॉर्ट में लिख रही हूं बच्चे मैं इसे इज वोल्ट. ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, दोनों ही बातें क्लियर हैं ये बिल्कुल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो चार्ज कहां से आता है बच्चे, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. ठीक है, जितना वर्क डन लग गया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और अगर चार्ज यहाँ पे पड़ा है और हमें एक नॉन पॉइंट पे ही लेके जाना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो वर्क डन यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए लगा. ठीक है, सेम फॉर्मूला है V is equal to W over Q और ऐसा यूनिट भी सेम ही रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के क्या रहेंगे, वोल्ट. क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की वन वोल्ट की. वन वोल्ट जो इनके ऐसा यूनिट है दोनों के, इन इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, वन वोल्ट की डेफिनेशन के लिए हम इसका फॉर्मूला ही लिखेंगे पहले, V is equal to W over Q. अब हमें ये वन वोल्ट चाहिए ना, इसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट. ठीक है, समझिए आप इस बात को, फिर हम डेफिनेशन आप खुद लिख पाएंगे. वी जो है ये वन वोल्ट हो कब होगा, जब इधर वाली साइड भी वन वन हो. ठीक है, वर्क के ऐसा यूनिट क्या होते हैं बच्चे, नाइन्थ क्लास में पढ़ा है आपने, जो वर्क के होते हैं वही एनर्जी के होते हैं और वो क्या होते हैं, जूल. ठीक है, और चार्ज के लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कूलम्ब. ठीक है, जब वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब वन कूलम पॉजिटिव चार्ज को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं और वर्क डन कितना हो रहा है, वन जूल. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें उसकी टर्म में लिख रहे हैं हम, वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब वन जूल का वर्क हो. वन जूल का वर्क किस लिए हो, वन कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे. वन वोल्ट वर्क, वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब वन जूल वर्क डन होगा और यूनिट पॉजिटिव यानी कि वन कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाने के लिए होगा. क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम. इसकी डेफिनेशन लिख दी है, वन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वन जूल ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम, सॉरी चार्ज ऑफ वन कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. ठीक है, वन वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इट इज इक्वल टू द वन जूल ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव अ चार्ज ऑफ वन कूलम फ्रॉम अ वन पॉइंट टू अदर. क्लियर? आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.